हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है मेरे चैनल द गेमर ग्लेडिएटर में। आज आपको पता तो चल गया होगा हम कौन सा वाला गेम खेलने वाले हैं, तो बड़ा मज़ा आने वाला है, तो वीडियो के एंड तक देखते रहिएगा। जिन लोगों को नहीं पता हम कौन सा वाला गेम खेलने वाले हैं, तो कोई बात नहीं, उनको मैं बता देता हूँ। आज हम खेलने वाले हैं GTA 5, जो कि हम काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहे थे खेलने के लिए, जो हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं पड़ी, अब ये कैपेबिलिटी आ चुकी है। तो वीडियो में ज़्यादा देर नहीं करते हैं और मैं आपको मिलाता हूँ अपने कैरेक्टर से। इसका नाम है फ्रैंकलिन, जो कि अभी सोकर उठाए अपने बेड से। बेड से तो मतलब आप समझ ही गए होंगे, बेड से सोकर उठाया मतलब सोकर उठाया। तो चलिए गाइस, बिना देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। जैसे कि अब मैं आपको दिखा देता हूँ, अब मैं आपको करता हूँ अपने घर का टूर। तो शुरू करते हैं। ये है मेरा टॉयलेट, अब तब आपको बता ही सकते हैं कि टॉयलेट में तो होता ही। तो ये है दोस्तों आंटी का बेडरूम। आंटी का बेडरूम बड़ा लग्जरी है। चलो अब शुरू करते हैं। ये है हमारा स्टोर रूम, जिसमें हम सामान रखते हैं एक्स्ट्रा घर का। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ अपनी शानदार लग्जरियस किचन। देख सकते हैं लग्जरियस किचन है ये हमारी। ऐसा किचन इंडिया में नहीं होता है, होता है पर बड़े बड़े घरों में होता है, मतलब छोटे घरों में नहीं मिलता। चलिए अब आपको एक दूसरा रूम दिखा देते हैं। किचन तो आपने देख ही ली है दोस्तों, ये आ चुके हैं हम। ये रूम है हमारा डाइनिंग रूम, जहाँ पे मैं और आंटी मिलकर बैठ के बातें करते हैं जब फ्री टाइम होता है हमारे पास में। जैसा कि आप देख सकते हैं ये फ्लावर कितना मस्त लग रहा है। यहाँ पे आंटी बैठ के बातें करती है फ्रैंकलिन से। तो देखिए यहाँ पे आंटी पता नहीं कुछ कर रही है, देखते हैं आंटी के पास जाकर आंटी क्या कर रही है। अरे यहाँ पर तो आंटी मेकअप लगा रही है फेस मास्क लगा करके। दोस्तों ये है लिविंग रूम, जो काफ़ी लग्जरी है। टीवी लगा हुआ है, आंटी सोफे पे बैठ कर अपना मेकअप कर रही है, पर आंटी पहले से काली है, उसको और होने होने की क्या ज़रूरत है। तो चलिए चलते हैं फिर हम अपने रूम में, और मैं यहाँ से कॉल लगा लेता हूँ। जैसे कि आज संडे और 6 बज रहे हैं और मैं अपने कपड़े चेंज कर लेता हूँ। देखते हैं कौन कौन से कपड़े अवेलेबल रहने वाले हैं हमारे पास में। तो देखते हैं, पहले सूट पहन के देखते हैं। लगता है शायद आज मैंने कुछ ख़रीदा तो है नहीं, हमारा फर्स्ट डे है तो शायद हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो फाइनली हमें जो मिला हमने ये पहन के हम चल दिए हैं। तो गाइस फ्रैंकलिन का क्या लुक रहा है, देखने में बड़ा स्मार्ट सा लग रहा है अपना लड़का। चलिए गाइस मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ इस गेम में। जैसा कि आप देख सकते हैं ये है गणेश जी की मूर्ति। अगर ऐसा वीडियो गेम में देखने को मिल जाए तो क्या मजे की बात आ जाती है, क्या बढ़िया मजा आ गया, मतलब गणेश जी की मूर्ति को देख के एकदम से। इतने बड़े गेम में गणपति जी की मूर्ति। चलिए आशीर्वाद लेते हैं और अपने मिशन की तरफ चलते हैं, और क्योंकि हमारा मिशन अब स्टार्ट होने वाला है, कोई ना कोई मिशन हमें आज मिल ही जाएगा। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए चलते हैं बाहर। जैसे कि आज संडे है, मुझे नहीं लगता कि आज मुझे कोई काम मिलने वाला है, फिर भी वैसे सिमियन का कोई कॉल मैसेज नहीं आया। चलिए चेक कर लेता हूँ मैं कि कोई कॉल वगैरह तो नहीं आई है उसकी। मैसेज में तो सिमियन का कोई कॉल मैसेज नहीं आया है। तो देखिए राइज, सनराइज हो रहा है, क्या मज़ा आ रहा है, मतलब सनराइज हो रहा है, गाड़ी निकल रही है हमारे पास में से, बड़ा अच्छा व्यू देखने को मिल रहा है ये वाला। जैसे कि आज संडे है, क्यों ना हम माउंट सूरज ढलता हुआ देखने जाऊँ माउंट सेट पर, तो कितना अच्छा रहेगा। तो मैं एक गाड़ी का जुगाड़ कर लेता हूँ। ये सब मैं कल रात से सोच रहा था कि कल संडे है, कल का पूरा दिन कोई काम भी नहीं रहेगा, तो कल हम कहाँ पर चलेंगे, वहाँ पर घूम कर आएंगे तो आंटी को भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा, काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं बहुत दिनों से कहीं घूमने गया भी नहीं हूँ। तो इसलिए ऐसा करते हैं, हम कहीं घूमने चल लेते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, एक स्विमियन को मैसेज करता हूँ कि आज कोई काम मुझे मत देना, क्योंकि आज मैं आंटी के साथ घूमने जा रहा हूँ बाहर। तो फाइनली हमने स्विमियन को मैसेज छोड़ दिया है कि आज हमें कोई काम नया दिया जाए, क्योंकि हम रात को लौटेंगे लेट नाइट, इसकी वजह से मैंने स्विमियन को मैसेज छोड़ दिया है। बाकी हम अपना, अब हम यहाँ से शुरू कर देते हैं अपना, कहाँ माउंट बीट जाना, वहाँ पर जाके इंजॉय करेंगे, सन को डूबता हुआ देखेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। तो वीडियो को जुड़े रहिए हमारे साथ में। थोड़ा सा मैं आपको सिमियन के बारे में बता देता हूँ। सिमियन इस सिटी का बहुत बड़ा डीलर है कार्स का, जिसके पास कारों की कोई कमी नहीं होती, उसके पास गैराज है अपने, ठीक है। मैं जब तक आपको ये बताऊं कि वो सिमियन इतना बड़ा कैसे बना, जब तक आप मेरी गाड़ी देख लो, SUV, बड़ी लग्जरी गाड़ी है, मज़ा आ जाने वाला है इसे चलाने में। आज एक बार बाहर निकल के आपको लुक दिखाता हूँ गाड़ी का, क्या शानदार लग्जरी गाड़ी है, देख लिया होगा आपने कितनी लग्जरी गाड़ी है ये। ये गाड़ी भी सिमियन ने मुझे गिफ्ट की है, गिफ्ट मतलब कि हाफ रेट पे मुझे दे दी है, मतलब अगर 1 करोड़ की है तो उन्होंने मुझे 50 लाख रुपए में सिमियन ने मुझे दे दी है, क्योंकि मैं उसका एक बेस्ट फ्रेंड हूँ यार। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सिमियन इतना बड़ा डीलर कैसे बना, क्योंकि सिमियन का बहुत बड़ा सपना था शुरू से ही कि वो इंटरनेशनल लेवल पर गाड़ियों का इतना बड़ा सप्लायर बन जाए कि उस पर हर गाड़ियाँ जो उस पर मिल जाएँ। तो चलिए मैं बता देता हूँ कि वो इतना बड़ा डीलर कैसे बना। इसने स्टार्टिंग में थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके इसने एक अपने लिए गैराज खरीदा, गैराज को चलाना शुरू किया अपने आप।
गैराज ज्यादा बड़ा नहीं था क्योंकि एक गाड़ी उसमें रिपेयर हो सकती थी और एक उसमें मॉडिफाई हो सकती थी, इतना ही बड़ा गैराज सिमियन ने अपने लिए लिया था। इतने छोटे गैराज में तो दो ही गाड़ी आ सकती हैं। इसके बाद इसने जो अपना दिमाग लगाया ना, उसके बाद इसने मतलब जो खिलाड़ी हुआ है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ, मतलब लाजवाब है इसने, मतलब इस सिटी का और इंटरनेशनल मार्केट का तो रुतबा ही बदल दिया कार्स के मामले में। सबसे पहले ये क्या करता था, अगर कोई गाड़ी बंद मिलती थी इसे, ये से ना चोरी कर लेता था। चोरी करने के बाद ये इसे अपने गैराज में लाके उसको सही करता था। सही करने के बाद उसके प्राइस बड़े हाई लेवल पे बेचता था। ऐसे ही धीरे धीरे करके इसने लॉस एंजेलस पर इतनी बेहतरीन पकड़ बना ली और ये एक इंटरनेशनल खिलाड़ी बन गया। ये उस गाड़ी को मॉडिफाई कराने के बाद ये नॉर्मल लोगों को नहीं बेचता था, ये बेचता था गैंगस्टर लोगों को, मतलब अंधा पैसा मिलता था। मतलब 10 लाख रुपए की गाड़ी का 5 करोड़ रुपए इस तरीके से इसको मिलता था। हम भी एक गैंगस्टर ही हैं, पर हम इतना नहीं कमाते जितना ये कमाता है, हम इसलिए इसके अंदर अभी काम कर रहे हैं। धीरे धीरे करके सो ये बड़ा आदमी हो गया और आज हम भी वहीं पर हैं जहां हम पहले थे, और ये हमसे गाड़ियों के मामले में इसके कॉन्टैक्ट बहुत अच्छे हो गए। हमें पगार उतना ही मिलता है जितना पहले मिलता था। आज भी हम उसी ज़िंदगी को सरवाइव कर रहे हैं, मतलब कुछ भी हमारे पास नया नहीं है, वही मिस पुराने वाले मिशंस। तो इसने तो काफ़ी मेहनत करके अपना एक रुतबा बनाया और मेहनत करी गाड़ियों को मॉडिफिकेशन, क्योंकि इसे गाड़ियों का काम आता था। अभी जो हम इसके लिए काम कर रहे हैं, हम इसके लिए काम क्या करते हैं, जो भी खड़ी हुई गाड़ी है वो हम चुरा के लाते हैं और इसके पास छोड़ देते हैं, यही हमारा काम है। जो हमें पेमेंट मिलनी होती है वो इसी से, अरे बच गया यार टकराने से, बच के गाड़ी से, तो वही पेमेंट हमें मिल जाती है, उसी से हमारा घर गुजारा हो रहा है। हम चोरी करते हुए कहीं पकड़े जाते हैं तो सेमियन के इतने अच्छे कॉन्टैक्ट हैं, इतनी अच्छी सिक्योरिटी हमें दी गई है, हम तुरंत हमें छुड़ाने के लिए ये अपने गैंगस्टर के थ्रू कॉन्टैक्ट कर लेता। ये उस एरिया के सारे गैंगस्टर को कॉल करके हमारे लिए हेल्प प्रोवाइड करा देता है, मतलब हमें कैसे भी बचा ही लेता है, इतने इसके अच्छे कॉन्टैक्ट ने बना रखे हैं इस सिटी के अंदर। गाइस प्रोटेक्शन तो बहुत तगड़ी है, मतलब सारे शहर के गुंडे टूट पड़ते हैं वहां पे, मतलब प्रोटेक्शन तो एक नेक्स्ट लेवल की, मतलब प्रोटेक्शन में कोई कमी नहीं है हमारे में। मैं ना ऐसा करता हूं, जब तक गाड़ी को सही से पार्क कर देता हूं, ठीक है, पार्किंग करने के बाद अब हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पर, हमने अपनी गाड़ी पार्क भी कर दी है, फाइनली हमारा डेस्टिनेशन हमें दिख रहा है। तो चलिए चलते हैं डेस्टिनेशन के पास। मैं ये सोच रहा था इतनी ऊपर कैसे जाया जाए, तो मैं सोच रहा हूँ क्रेन से ही जाया जाए, क्योंकि क्रेन तो अभी तक आई नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा करते हैं कि हम जब तक यहाँ पर वेट कर लेते हैं, जब तक क्रेन आ रही, देखो क्रेन वहाँ पर दिख रही है, तो क्रेन आने वाली। तो गाइस देखिए मियां बीवी अपना एंजॉय कर रहे हैं, बस ट्रेन आने वाली है, आ गई अपनी, अब हम चलने ही वाले हैं ऊपर की साइड, और हमें जाने के $10 पे करने पड़ेंगे। भाई $10 ले लेगी ये छोटी सी क्रेन, $10 देने के बाद ये तुरंत चल दी है, तो क्या व्यूज नजारा। कभी एक बार लाइट देखो, एक बार लेफ्ट देखो, जिस रोड से हम शायद वो है उसके सारे सामने का व्यू देखो, क्या मजा आने वाला ऊपर जाने के बाद में, मजा आएगा एकदम। फाइनली ऊपर पहुंच चुके हैं, तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या नजारा होने वाला है, तगड़ा वाला। तो गाइस ऊपर तो बारिश हो रही है, तो बारिश में मेरा भीगने का कोई मन नहीं है यार, सनसेट देखने को मिलेगा नहीं मिला, क्योंकि ऊपर का मौसम तो काफ़ी ख़राब हो चुका है। सनसेट के लिए तो अभी 3 घंटा बाकी है गाइस, जब तक ऐसा करते हैं, जब तक सनसेट होता है जब तक हम ऊपर जाके ऊपर का व्यू देख लेते हैं, क्योंकि ये बारिश हमें लगता बंद हो ही जाएगी, जब तक ऊपर चल के ऊपर का व्यू देख लेते हैं कैसा होने वाला, मज़ा आएगा ऊपर के साथ में, कि ऊपर वहाँ एक छोटा सा घर भी मुझे देखने को मिल चुका है, बड़ा मज़ा आएगा। वाव क्या बाइक्स भी यहाँ पे गाइस मिल चुकी हैं हमें, मतलब चोरी कर लेंगे अगर नहीं मिलेंगी तो फ्री में, कोई बात। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दो लोग आए हुए हैं, कपल्स ये गाइस, बाइक उन्हीं की है, पर कोई बात नहीं, अब इन्हें हम चुरा के भागने वाले हैं। तो चलिए वेट करते हैं जब तक बारिश बंद नहीं हो जाती है, बारिश बंद होने के बाद में वापस व्यू देख के फिर हम अपने काम के लिए निकलेंगे रात में अपने घर के लिए। तो वेट करते हैं थोड़ा सा, बारिश बंद हो जाए एकदम से, मज़ा आ जाएगा बारिश। अरे फाइनली गाइस बंद हो चुकी है बारिश, और देखिए क्या नज़ारा है, मतलब यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे सूरज हमारा डूबने वाला है, और ऊपर पंछी हैं जो हमारे ऊपर से चें 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 कर रहे हैं, बड़ा मज़ा आएगा, क्या नज़ारा यार। बारिश बंद होने के बाद में तो कतई मज़ा आ चुका है एकदम से। तो चलिए जब तक ना चिल कर लेते हैं, जब तक सनसेट नहीं होता, क्योंकि सनसेट होने के बाद में उसकी एक फ़ोटो क्लिक करेंगे, फ़ोटो क्लिक करना ज़रूरी है अपनी यादों को रखने के लिए। थोड़ा वेट करते हैं, बस थोड़ी देर वेट करने के बाद में उसके बाद में सनसेट हो जाएगा,
तो काफी देर वेट करने के बाद में 2 घंटे तो सनसेट हो चुका है। क्या बेहतरीन व्यू आ रहा है, देखिए मजा आ गया। मतलब मैं इतनी ऊपर $10 खर्च करके आया क्रेन से, तो फाइनली मुझे मजा आ रहा है सनसेट देखते हुए। देख सकते हैं मैं गाइस, फोन साइलेंट होने के कारण मैं देख नहीं पाया, ध्यान दे नहीं पाया। सिमोन के इतने सारे कॉल और मैसेजेस, पूछना पड़ेगा एकदम से ऐसा क्या हो गया, पता नहीं इतने सारे मैसेज क्यों आए। तो कोई बात नहीं, जब तक हम फोटो खींच लेते हैं सनसेट का, ठीक है, फोटो खींच लिया है, ठीक है। फोटो खींचने के बाद हम अब सैमियन को कॉल करके पूछ लेते हैं कि एकदम से ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि उसने इतने सारे कॉल और मैसेजेस हमको कर दिए। तो मैं कॉल लगा के सिमोन के ऊपर पूछ लेता हूँ कि क्या प्रॉब्लम हो चुकी है। तो मैं एक बार सिमोन को कॉल लगा लेता हूँ, कॉल लगाने के बाद मैं फिर देखते हैं कि सिमोन को क्या दिक्कत हुई है, फिर पूछते हैं सिमोन से कि दिक्कत क्या हुई है। तो सिमोन, हाँ, तो सिमोन ने फाइनली हमें बता दिया कि सिमोन एक बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका है और उसने हमें अपने गैराज पर बुलाया है, वो भी 30 मिनट के अंदर। और 30 मिनट में वहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल है, कैसे पहुँचेंगे ये तो भी डिसाइड करना पड़ेगा हमें, पर जाना तो ज़रूर पड़ेगा क्योंकि उसने हमें बुलाया है। इतनी बड़ी प्रॉब्लम तो उसने नहीं बताई, पर उसने ये बोला है कि 8 घंटे में मेरे शोरूम पर पहुँच जाओ। तो जब उसने बुलाया तो चलना तो पड़ेगा ही, तो चलिए चलते हैं। वहाँ पर 3 लड़के खड़े हुए अपना सनसेट का नज़ारा ले रहे हैं, तो इनकी एक बाइक को हम उठा के यहाँ से चलने वाले हैं। तो फाइनली बाइक सोच रहा हूँ कौन सी उठाऊँ भी नहीं उठाऊँ, कन्फ्यूजन था थोड़ा सा मेरे हो। मैंने उसे बोला भी कि मैं काफ़ी दूर हूँ, पर उसने बोला कि तुम्हें अच्छा खासा पेमेंट चाहिए तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। तो अगर बात पैसे की आ जाएगी तो हमें जाना तो पड़ेगा ही ना गाइस, तो पैसे के लिए तो इतने चलते हैं, बाइक स्टार्ट कर ही लिए, मज़ा आएगा। मतलब पैसे के लिए तो मतलब मैं कहीं भी जा सकता हूँ यार, ये इतना बड़ा आदमी है, प्रॉब्लम तो फंस नहीं सकता, मतलब फंसा नहीं, मतलब कि कोई तो है जिसने ये बोला कि तुम पैसे कमा रहे हो तो जल्दी से आ जाओ। तो फाइनली हम उसके यहाँ पर पहुँच गए। जैसे कि हमने ये बाइक चुराई है तो इसका हमें पेमेंट तो करनी नहीं है, तो जल्दी से यहाँ से गाड़ी ले लेता हूँ, गाड़ी लेके यहाँ से निकल लेते हैं। और हमें यहाँ पे एक बार सेट कर लेता हूँ सिटी, क्योंकि बड़ी आसानी रहेगी गाड़ी चलाते में, लोकेशन की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद फिर हम यहाँ से निकलेंगे उसकी तरफ, क्योंकि उसे बहुत इमरजेंसी में 30 मिनट में बुलाया है, तो हम निकल चुके हैं यहाँ से। चलिए चलते हैं फिर उसके गैराज की तरफ में। देखिए जैसे कि भगाते भगाते मैं काफ़ी आधे से मैप पर आ चुका हूँ और 15 मिनट का रास्ता मैंने तय कर लिया है, पर अभी तक मैं पहुँचा नहीं हूँ क्योंकि मैं खौफ तेज भगा रहा हूँ, क्योंकि 15 मिनट में पहुँचना वहाँ पर बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि काफ़ी दूर हो जाता है उसका घर। तो मैं पहुँच चुका हूँ अपनी सिटी में, जल्दी जल्दी भगा लेता क्योंकि 15 मिनट का टाइम बचा है, तेज़ी से बताता हूँ। जल्दी से हम उनके गैराज पर पहुँच जाते हैं। अरे यार ये ठोका और गई यार, गड़बड़ हो गई, चलो कोई बात नहीं, जल्दी से भगाते हैं और उसके गैराज पर हम पहुँचना है जल्दी से, जिस उस लेट होने से पहले। तो इतनी तेज़ चलाने का ये रहता है कि गाड़ी ठुक जाती है, कोई बात नहीं। मैं पहुँच चुका हूँ उसके गैराज में, ये गैराज का पीछे वाला हिस्सा है, मुझे आगे वाले हिस्से में जाना पड़ेगा और आगे वाले में जाके सैमुअल से मिलना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा क्या काम है, कितने पैसे मिलने वाले हैं। तो फाइनली हम मिल रहे हैं सैमुअल से, जो अच्छा ओके ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर मैटर क्या है। तो चलिए चलते हैं, पहले अपनी एक गाड़ी ले लेते हैं, गाड़ी में बैठ के मैं आपको तसल्ली से बताऊँगा कि प्रॉब्लम एक्चुअली माजरा करना क्या है हमें, मतलब किस चीज़ के कितने पैसे मिलने वाले हैं, सारी चीज़ें बताऊँगा। तो चलिए पहले अपनी एक गाड़ी ढूंढ लेते हैं। ये आंटी वाली गाड़ी मुझे पसंद है, मैं इसी गाड़ी को छीन के चलने वाले हैं। ये मर्सिडीज़ GT है पता नहीं जो भी है, चलने में बड़ी मज़ेदार है, मतलब मज़ा आ गया, क्योंकि हम अपनी गाड़ी का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमें चोरी करनी थी, क्योंकि चोरी का जगह से काम कभी अपनी गाड़ी से नहीं करना चाहिए गाइस। प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि आपको पता ही है कि सोमयोन गाड़ियों का बिजनेस करता है, वो पुरानी गाड़ियों को मॉडिफाई करके उन्हें अच्छे रेट पर गैंगस्टर को बेचता है। तो कल एक्चुअली में क्या है कि सोमयोन का एक ऑनलाइन स्टोर भी है, जिस पर कल एक गाड़ी खरीदने के लिए एक लड़का आया जिसके पास पैसों की कमी थी, येलो कलर की SUV थी वो। तो उस लड़के ने सिमोन से कहा कि ये गाड़ी मैं EMI पर लेना हूँ और इसकी EMI मैं हर मंथ में आपको पे कर दिया करूँगा। और सिमोन ने उसको बोला ठीक है, और यही वाली गलती सिमोन ने उसके साथ में कर दी कि उसको गाड़ी EMI पर दे दी। बाकी सब तो ठीक था, सिमोन ने गाड़ी दे दी, वो गाड़ी लेके चला भी गया। आज था उसका पेमेंट करने का दिन, ना उसका फ़ोन लग रहा है और ना उसका कुछ अता पता है। तो वो बंदा कर चुका है सिमोन के साथ में फ्रॉड। वैसे तो सिमोन के बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट हैं, चाहे तो वो उसके घर पर बंदे भी भेज सकता है, पर उसने नहीं भेजे। तो हम आए उस लड़के के घर में और
जैसा कि हमें ये घर जाना पहचाना सा लग रहा है, देखते हैं किसका होने वाला ये घर। फाइनली मुझे लग रहा है कि मैं जानता हूँ इसे। तो हम इस घर में पीछे साइड में जाएंगे, क्योंकि आगे जाएंगे तो सिक्योरिटी मिलेगी। तो हम पीछे से इस दीवार से चढ़कर जाने वाले हैं। तो मैं चढ़ चुका हूँ फाइनली इस पर और मैं नीचे कूद गया हूँ और मैं उस घर के अंदर आ चुका हूँ। तो गाइस मुझे घर नहीं दिख रहा, तो मुझे एक घर दिख चुका। मैं गाड़ी के ऊपर से जाऊँगा, ऊपर गाड़ी के चढ़ के इस पर चढ़ के इस विंडो के थ्रू होके मैं घर में घुसने वाला हूँ। चुपचाप से मैं इस विंडो के धीरे धीरे अंदर जाता हूँ और मैं जाकर छुपता हूँ कहीं पे, कोई अच्छी जगह पे। ये बाथरूम है उनका, यहाँ पे मैं चुपचाप आके खड़ा हो चुका हूँ बाथरूम के अंदर में। यहाँ पे बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा है, मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है। तो यहाँ पे चलते हैं, हम देखते हैं। वाह क्या गेम चल रहा है यार, ये तो बंदा यहाँ पे बैठ के गेम खेल रहा है। तो कोई बात नहीं, हम चुपचाप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं अपने उसको ढूंढने के लिए जिसने हमारे गाड़ी किस्त नहीं चुकाई है। धीरे धीरे मैं सीढ़ी से उतर रहा हूँ। गाइस कोई देख ना ले, पता चला यहाँ पे, देखो यहाँ पे चुपचाप, देखो यहाँ पे इन दोनों की फाइट चल रही है गाइस। सो गाइस हमें जाना है गैराज में, जो हमें लेनी है गाड़ी, जो ये है वो गाड़ी जो कि सैमुअल ने उसे दी थी। यहाँ पे लेके हमें यहाँ से निकल के भागना है। और हमने गाड़ी ले ली है और हम गाड़ी को लेके चल दिए। जल्दी से गेट खुल जा, जल्दी खुल जा। और यहाँ से हमने गाड़ी लेके हम निकल लिए गाइस। फाइनली हमने चोर के घर से चोरी कर ली है और हमने अपने सैमुअल की गाड़ी को बचा। तो मुझे ये गाड़ी चुपचाप से अब जल्दी सैमुअल को पहुंचा देनी है बिना टच करे। देखो सैमुअल का फ़ोन आ रहा है, कनेक्ट हो चुका है। मैंने फाइनली सैमुअल को बता दिया है कि गाड़ी मैंने अपने कंट्रोल में ले ली है और मैं गाड़ी को लेके गैराज की तरफ बढ़ चुका हूँ। गाड़ी में स्क्रैच नहीं आना चाहिए, अपना सैमुअल हमें भी गोली मार देगा। ये गाइस ये मेरे सीन क्या हो चुका, ये तो गैंगस्टर है। उस मतलब ये उस लड़के का बाप है जो कि इस शहर का बहुत बड़ा गुंडा रह चुका है या नहीं है। सैमुअल ने मुझे कहाँ फंसा दिया ये मुझे भी नहीं पता कि आज की डेट में ये गैंगस्टर है भी या नहीं भी। बट अब हमारी हालत जवान में आ चुकी है, क्योंकि हमारी कनपट्टी पर रखी है उस लड़के के बाप ने बंदूक। तो मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि आखिर मुझे करना क्या है। तो फाइनली इसने हमें बोला है कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, इस गाड़ी को जहाँ मैं कहता हूँ वहाँ पर लेके चलो। इस बंदे का नाम मैं आपको बताता हूँ, इस बंदे का नाम है माइकल, जो कि इस शहर का बहुत बड़ा गुंडा रह चुका है। मैं वही कह रहा था कि ये घर मेरा जाना पहचाना सा लग रहा है। तो ये माइकल का घर था और हमने माइकल के घर से माइकल के बेटे की कार चुरा ली और माइकल उसी गाड़ी में बैठ के हमारी बंदूक, अपनी बंदूक से हमारी कनपट्टी पर रख के हमसे अपने काम करवाना चाहता। तो गाइस अभी ये मुझसे कह रहा है कि मुझे जिसने ये काम दिया है मुझे उसके पास ले चलो। तो फाइनली मैं इसे अभी अपने दोस्त के पास ले चलने वाला हूँ, क्योंकि इसने मेरी कान पर रखी है कनपट्टी पर बंदूक। तो मुझे ले जाना पड़ेगा उसको, उससे मिलवाने के लिए, क्योंकि इसने मुझे ये बोला है। सो गाइस ये बोल रहा है कि तुम गाड़ी को यहीं पर रुका दो, बनना मैं तुम्हारी कनपट्टी के अंदर से दो गोली मार दूंगा। देख मेरी क्या हालत है यार, पसीने आ गए मुझको तो इसकी बंदूक को देखने के बाद में यार। तो गाइस माइकल ने मुझे धमका दिया। माइकल बोल रहा है कि ये वाली गाड़ी को मैं फुल स्पीड में उस शोरूम के अंदर ले जाके उस कांच को तोड़ के खड़ी कर दूं। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो माइकल मेरे सर में बीचों बीच में कनपट्टी के अंदर गोली मार देगा। तो गाइस अब हम शुरू करते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करके लेके जाते हैं हम वहाँ पर और शीशे के अंदर तोड़ देंगे। वैसे तो मैं गद्दारी कर रहा हूँ उसके साथ, अपने दोस्त के साथ में, तो मैं चल देता हूँ आकर, क्योंकि मुझे जो काम दिया है बंदूक की डर की वजह से। तो देखिए फाइनली मैं अंदर जाने वाला हूँ और मैंने शीशा तोड़ के और मैं गाड़ी के शोरूम के अंदर आ चुका हूँ और ये मेरा दोस्त आ चुका। सो गाइस हम गाड़ी से बाहर आ चुके हैं, गाड़ी को बड़ा डैमेज पहुँचा है और माइकल बड़ा गुस्सा कर रहा है। और ये मुझे पैसे मिल चुके हैं और ये अब भाई अब जहाँ पे होने वाली है तगड़ी वाली फाइट और ये इसकी गुद्दी पे ही मारे जा रहा है इसको, मतलब पूछ भी नहीं रहा। और ये माइकल कहाँ भाग चुका है, माइकल मुझे लगता है कि माइकल तो भाग चुका, माइकल तो है नहीं। और हम भी यहाँ से यहाँ पे तगड़ी वाली फाइट चल रही है और शोरूम को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है और ये काफ़ी मतलब समझ से बाहर है मुझे कि चल क्या रहा है, मतलब मुझे क्यों पैसे मिले उस चीज़ के। मैंने बल्कि इस गाड़ी तोड़ी और इसने मुझे पैसे दिए, चल क्या रहा है। मैंने इसका गला दबा दिया और मैं से आज जान। सैमुअल ने माइकल को दे दिए गाली और सैमुअल को माइकल को आज का गुस्सा और दैगेट और भाई साहब इसके तो आज चिथड़े उड़ा देगा ये, छोड़े कहानी इसको आज। माइकल मतलब तूने मेरे बेटे की गाड़ी घर से चुरवा ली, तेरी इतनी औकात हो गई मतलब कि बस उसको मारने के बाद।
सो गाइस मैं यहाँ पर सब कुछ छुप के देख रहा था कि माइकल उसको कैसे पीट रहा था। मैं तो इसलिए छुप गया क्योंकि मुझे नहीं पता था कि कहीं मेरी भी क्लास ना लग जाए, ये मेरे को भी कुत्ता बना बना के ना मारे। एक बात तो गाइस मुझे ये नहीं पता चल रही कि माइकल ने आखिर मुझे पैसे क्यों दिए और अब ये माइकल दिख क्यों नहीं रहा है, मुझे कहाँ चला गया ये। तो ये माइकल अभी जा क्यों नहीं रहा है, मुझे लगता है माइकल वेट कर रहा है टैक्सी का, टैक्सी में बैठने के बाद जाने वाला है। तो उसने टैक्सी रोक ली है और वो टैक्सी में बैठ के चला गया है। ठीक है अब मैं चलता हूँ और सबसे पहले मैं माइकल को फोन करके पूछता हूँ कि आखिर माजरा क्या है जल्दी से, वो मुझ पर बहुत गुस्सा होने वाला है, आज तो मेरी खटिया खड़ी कर देगा। मैं देखता हूँ कि वो बचा भी है नहीं बचा है, तो मैं अंदर जाके देखता हूँ शोरूम में कि क्या सीन है, मतलब हुआ क्या, मतलब पूछता हूँ उससे जाकर। सैमियन से मेरी बात हो चुकी और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था मुझ पर कि जब मैं पिट रहा था तो तुम मुझे पिटते हुए क्यों छोड़ गया। तो गाइस उसका गुस्सा करना जायज़ था। आज संडे का दिन था, मेरा घूमने का दिन था, पूरा दिन मेरा बकवास चला गया। आज लाइफ में माइकल जेकल मतलब सब ने मतलब धमाका तही कर दिया एकदम से। मेरा समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हुआ क्या, इतना बड़ा गैंगस्टर एकदम से आ कैसे। तो चलो गाइस आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इसका दूसरा वाला पार्ट में एक दिन छोड़ के डालूंगा, तो आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा। और साथ में आपको फ्री फायर पबजी माइनक्राफ्ट की वीडियो देखनी हो तो लिंक मैंने डाल दिया है, तो जाके देख लेना। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, बहुत मेहनत से मैं ये वीडियो बनाता हूँ और आपका इतना प्यार बनाए रखना। सब्सक्राइब चैनल को करना मत भूलना क्योंकि मैंने देखा है कि मोस्ट टाइम आप क्या करते हैं, वीडियो को देख लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपको फाइनली सब्सक्राइब के बटन पर जाना, राइट क्लिक पर जाएगा बटन दबा देना है। और मैं जा रहा हूँ अपने घर आराम करने क्योंकि मेरा हो चुका था मूड खराब। तो चलिए बाय, लाइक से सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलना, मैं आपको अभी भी बता देता हूँ। तो ठीक है सो गाइस फाइनली गुड बाय टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तो जब तक के जुड़े रहिए मेरे चैनल द गेमर ग्लेडिएटर के साथ।